नमस्कार, वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ एज विद ग्रेस। एज विद ग्रेस इज अ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सोशल मीडिया साइट्स। माय नेम इज कृष्णा वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किडनी स्टोन्स, देयर प्रिवेंशन, क्योर एंड देयर डायग्नोस्टिक अप्रोच। एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, इंडियाज लीडिंग यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष सैनी। Let me give my viewers a brief introduction of our guest today. Dr. Ashish Saini is a renowned urology specialist in Delhi NCR, offering top-notch care for various urological issues. Dr. Saini did his MBBS from India's prestigious medical college, King George Medical College, Lucknow. Post MBBS completion, he completed his MCH in urology with a gold medal from India's number one best medical college, All India Medical Sciences, New Delhi. Dr. Saini has completed successfully 15,200 plus urology and sexology surgeries. His patients are from all over the country and the world. Dr. Ashish Saini is clearly the best andrologist in Delhi NCR and India because of his vast and versatile experience in the field of urology and sexology. We are very honored to have you here, sir. Thank you, and it's an honor to be in this platform of Aging with Grace. And today we'll be dwelling on a very important topic, which would be wonderful and insightful for our readers. Doctor, the first question to us, can you describe the common symptoms and risk factors associated with kidney stones? So, it's a very important question, and thanks for asking this. Usually, the kidney stones, they will present with pain in the abdomen, and the pain will be at the back. So basically, back here, the pain will start from the back, not in the midline, but on the lateral side. And usually किडनी पेन है वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोन, तो पत्थर की वजह से दर्द नहीं होता। जब पथरी मूव करती है गुर्दे से और गुर्दे की नलकी में चली जाती है, जिसको कि यूरेटर कहते हैं, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है उस वजह से हमें पेन होता है। और पेन पहले पीठ की तरफ होगा और फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। मेल्स में ये आपके जेनाइटल एरिया में भी जा सकता है, बॉल्स में भी जा सकता है, और आपके पैर के अंदरूनी हिस्से में भी जा सकता है। फीमेल्स में भी ये नीचे ब्लैडर की तरफ, वजाइना की तरफ पेन जा सकता है। इस पेन के साथ कभी कभी लोगों को स्वेलिंग जो किडनी की होती है उसकी वजह से उनको वॉमिटिंग या नौजिया हो सकता है, उनको उल्टी या जी मचलाना हो सकता है, और इसके साथ कभी कभी उनको यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो ये जो ट्रायड होता है इसको कहते हैं हम कॉलिक, यूरेट्रिक कॉलिक। और पेन जो है ये इसका बहुत सीवियर होता है, एंड पेन एक तरह से आप मान लीजिए कि लेबर पेन की तरह होता है, तो इतना ज़्यादा सीवियर होता है जब होता है, और एपिसोडिक पेन होता है, तो रह रह के ये पेन आता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूस आएगा तो पेशेंट कभी कभी तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं, अदरवाइज ये रह रह के ये पेन आता है। एंड इसके अलावा अगर ये पेन जो है बहुत दिन से स्टोन्स अगर आपने नज़रअंदाज किया है, आपने नहीं देखा या सुविधाएँ नहीं हैं जाने के आसपास किसी अस्पताल में, तो कभी कभी आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, फीवर विद चिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी यूरिन अगर दोनों गुर्दों में पथरी है और दोनों ही गुर्दों की नलकियाँ रुक गई हैं तो यूरिन आना बंद भी हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं कि अनूरिया, बिकॉज ऑफ अनूरिया मीन्स नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ये एंड वाली कंडीशन में कि जब बिल्कुल ही हमने बहुत सालों से नहीं दिखाया ये स्थिति हो गई, तो ये जो है रिस्क फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं। तो राइट तरीके से यू नो आपको सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और द डॉक्टर हैज़ रियली यू नो ऑल द फैक्टर्स, द सिम्टम्स ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड आवर व्यूअर्स, सो आई थिंक the viewers would definitely have a broad idea what are the symptoms. The next question to you, sir, what diagnostic tests or procedures do you typically use to diagnose kidney stones in the patients? So, देखिए सबसे पहले जब patient हमारे पास आता है या तो वो emergency में आता है या वो emergency में दिखा के फिर हमारे पास वो राय लेने के लिए आता है। तो जब emergency में आता है तो सबसे पहले हम उसके vitals check करते हैं,
और हम उसमें जो है पेन किलर देके उसको पेन को पहले ठीक करेंगे। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर करा जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं और एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि पथरी है कि नहीं है और पथरी जो है वो कितनी बड़ी है और कितने पत्थर हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं कि भाई यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ है मरीज का, और यूरिन रूटीन और कल्चर से हम ये पता लगाते हैं कि यूरिन में आपके RBCs तो नहीं है, पसल्स तो नहीं है, UTI तो नहीं हो रहा। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि करे जाते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, स्पेशली जो कि पेशेंट्स हैं जिनको कि बहुत सालों से स्टोन बन रहे हैं तो उनमें कोई स्पेशलाइज टेस्ट किए जाते हैं। और कभी कभी स्टोन्स के लिए अगर सिर्फ स्वेलिंग आ रही है गुर्दे में तो कभी कभी ये होता है कि अधिकतर हमने देखा कि गुर्दे में थोड़ी सी गुर्दे में अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट हो गया कि वो नॉर्मल है, लेकिन स्टोन जब ट्रैवल कर जाता है गुर्दे से नलकी की तरफ तो वो यूरेटर में जो स्टोन होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हम CT स्कैन कराते हैं देखने के लिए कि पथरी है या नहीं। सो वंस डायग्नोस्ड, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर किडनी स्टोन्स एंड हाउ डू यू डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से मरीज हैं जिनको कि किस तरह का ट्रीटमेंट है। अधिकतर मरीज चाहते हैं कि वो बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाए, और ऐसा मैं भी चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँगा कि कोई भी मुझे प्रॉब्लम हो तो पहले सर्जरी